दुनिया भर के 70% स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड। अब इसका लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड 12 आने जा रहा है। ये एंड्रॉइड के 14 सालों के इतिहास में सबसे बड़ा अपडेट है, पर दिक्कत यह है कि इसमें बहुत सारे बग्स हैं। गूगल का कहना है चूंकि बदलाव इतना बड़ा है इसलिए ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन इसकी एक और वजह भी हो सकती है। एंड्रॉइड की शुरुआत में कुछ वादे किए गए थे, ये फ्लेक्सिबल होगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा, स्मार्टफोन बनाने वाली और टेलीकॉम कंपनियों की जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकेगा। लेकिन इसी फ्लेक्सिबिलिटी का नतीजा है जो आज हमें अपने फोन्स में इतने अलग अलग तरह के एंड्रॉइड मिलते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि एंड्रॉइड गूगल का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ना, ये तो बस तगड़ी वाली मार्केटिंग है। गूगल ने एंड्रॉइड को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह लॉन्च किया था, लेकिन कई और कंपनियां जो ओपन हैंडसेट अलायंस का हिस्सा हैं, वो भी इस लॉन्च में साथ थी। तो ये सारी कंपनियां एंड्रॉइड का सोर्स कोड अपने अपने हिसाब से बदल सकती हैं। इसमें गूगल का रोल टॉप मैनेजर जैसा है, तो कोई भी कंपनी कुछ भी डिवेलप करे, कोई एंड्रॉइड में कुछ भी जोड़ घटा दे, तो उसे पहले गूगल से अनुमति लेनी होती है, इसके बाद ही यह सबके पास जाती है। एंड्रॉइड के इतने सफल होने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह बनाया गया। इससे दुनिया भर की कंपनियों को अपने फोन चलाने के लिए ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम मिला जिसे वो अपने प्रोडक्ट की जरूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत बदल सकती थी। स्मार्टफोन्स बनाने वाली और सिम बेचने वाली कंपनियों ने इसका खूब फायदा उठाया। अब सैमसंग और सोनी के स्मार्टफोन्स को ही लीजिए, ये दोनों एंड्रॉइड का अपना अपना कस्टमाइज्ड वर्जन चला रही हैं। गूगल एंड्रॉइड तो मुफ्त में देता है, लेकिन इसके साथ अपनी मोबाइल सर्विसेज जैसे प्ले स्टोर, जीमेल और गूगल मैप यानी GMS पैकेज नहीं देता। इसके लिए कंपनियों को गूगल से लाइसेंस लेना होता है। अगर कोई कंपनी अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर इंस्टॉल करना चाहे तो उसे बहुत सारी हाँ करनी पड़ती है, जैसे क्रोम इंस्टॉल करने के लिए हाँ, यूट्यूब और ऐसी ही कई एप्स इंस्टॉल करने के लिए हाँ, साथ में गूगल सर्च को डिफॉल्ट सर्च ऐप और क्रोम को फोन का डिफॉल्ट ब्राउजर भी बनाना पड़ता है। अपने ब्रांड की ढेर सारी एप्स के अलावा गूगल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी API भी सप्लाई करता है। अगर कोई कंपनी गूगल का पूरा पैकेज एक साथ नहीं लेगी तो बाकी ऐप भी ढंग से काम नहीं करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियां गूगल की बात मान ही लेती हैं। चीन में गूगल की कई सर्विसेज उपलब्ध ही नहीं है। यहाँ आपको कई एंड्रॉइड फोन मिल जाएंगे जिनमें गूगल की ऐप नहीं होंगी, जैसे Amazon, जो एंड्रॉइड पर चलने वाले फायर ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है बिना गूगल एप्स के। हालांकि इन सब के बावजूद एंड्रॉइड चलाने वाले ढेर सारे यूजर्स नई ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर की शरण में ही जाते हैं। गूगल ठहरा ऐप बनाने वालों का चौकीदार, तो वो उनसे भी पैसे कमाता है। अगर कोई डिवेलपर एक पेड ऐप, पेड गेम, पेड बुक या पेड मूवी बनाता है, या फिर आप अपने गेम में पॉइंट्स खरीदने के लिए ऐप से कोई खरीदारी करते हैं, अगर पैसे देकर ऐप में कोई नया फीचर जोड़ते हैं, तो गूगल को हर ट्रांजेक्शन में उसका हिस्सा मिलता है। गूगल अपने प्ले स्टोर के जरिए अरबों खरबों कमाता है। फोन और ऐप बनाने वालों को एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है जिसमें वो अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं, और यूजर्स को ऐसा सिस्टम मिल जाता है जो ढेर सारी डिवाइसेस पर चलता है और जिसमें बहुत सारी एप्स चल जाती हैं। एक ओपन सिस्टम में जहां सैकड़ों कंपनियों के अपने अपने वर्जन चल रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। सबको सबके वर्जन की जरूरत के हिसाब से लगातार सिक्योरिटी अपडेट देना। दुनिया भर में अनगिनत डिवाइस एंड्रॉइड पर चल रही हैं। हर कंपनी सिक्योरिटी को अप टू डेट रखने के मामले में मुस्तैद नहीं है, इस वजह से सुरक्षा की कई कमजोरियां सामने आती हैं। अपने पिक्सल फोन्स के लिए भी गूगल खुद 3 साल तक ही सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा करता है। एक और तकलीफ है ब्लोटवेयर की, यानी ऐसे एप्स और सर्विसेज जिन्हें फोन बनाने वाली कंपनियां पहले से ही इंस्टॉल करके आपके पास भेजती हैं और जिन्हें आप हटा नहीं सकते। वो YouTube इंस्टॉल करके देंगे, क्रोम, गूगल सर्च, गूगल मैप्स और भी बहुत कुछ इंस्टॉल करके देंगे। फिर फोन बनाने वाली कंपनियों को भी अपना जलवा दिखाना होता है। जैसे सैमसंग को देखिए, वो क्रोम के अलावा अपना भी एक ब्राउजर फोन में डाल देते हैं। वो फोन में कई ऐप डाल देंगे जो वही काम करते हैं जो गूगल के ऐप करते हैं। उसके बाद कैरियर्स की बारी आती है, उन्हें भी अपने ऐप और अपने ब्लोटवेयर फोन में डालने होते हैं। तो ये सब मिलकर बहुत ज्यादा
ज्यादा हो जाता है। That amounts to a lot. क्या आप ये सब जानते थे? आपको किस प्लॉटवेयर से सबसे ज्यादा खीज होती है, कमेंट करके बताइए। एंड्रॉइड को फ्री सॉफ्टवेयर भले ही माना जाता हो, लेकिन इससे गूगल की दुकान को चोखा मुनाफा होता है, खासतौर से इसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट को। अगर आपको ये समझना हो कि गूगल की एप्स कितनी जरूरी हो गई हैं, तो वॉवे का उदाहरण देखिए। चीन और अमेरिका के ट्रेड वॉर में गाज गिरी स्मार्टफोन बनाने वाली चीनी कंपनी वॉवे पर। मई 2019 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अमेरिकी कंपनियों पर एक आधिकारिक बैन लगा दिया, कहा कि कोई भी कंपनी विदेशी टेलीकॉम कंपनी के साथ कारोबार नहीं करेगी। इसके बाद गूगल ने ऐलान कर दिया कि वो अब वॉवे को अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करने देगी। हालांकि वॉवे एंड्रॉइड तो इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन अपने स्मार्टफोन्स में गूगल की एप्स नहीं डाल सकती थी, तो उसे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना पड़ा। जब अमेरिका ने बैन लगाया था, तब वॉवे दुनिया में स्मार्टफोन बनाने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी। अब जीएमएस के बिना ये कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा दिखाई नहीं देती है। वॉवे चल तो रही है, लेकिन पहले यह जितनी बड़ी कंपनी थी, अब उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। इसे अपना सॉफ्टवेयर बनाने में तो समय लगा ही, साथ ही तमाम बड़ी एप्लीकेशंस को अपने ऐप स्टोर पर लाने में और ज्यादा समय लगा। एंड्रॉइड के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या पसंद है, क्या ना पसंद, हमें भी बताइए।